पंजाब की संस्कृति, पंजाब की डांस, पंजाब की नाटक अगर आपको देखना है तो जमशेदपुर माइकल दाय के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया जा रहा है। वह समुदाय का जो बैनर है पंजाबी बिरसा जमशेदपुर के तरफ से आयोजन किया जा रहा है। पंजाबी नानक दी रबाब वर्गी, पंजाबी गोल दी छा वर्गी। हुण मैं आप जी दे सामने एक छोटा जा नाटक पेश करन जा रहे हां। उना बच्चियां वास्ते जोरदार तालियां नाल उना दा स्वागत करो। किसान की कहानी सुनानी है। एक किसान सी, बहुत ही गरीब सी। हर रोज जंगल में जाता, बात पावा बताली पावा, बात लावा मोती, जेड़ा मेरी बात ना बुझे उनु पौगी। तेरी बात पुछी है पुत्र, निक्की जी कुड़ी ਲੈ ਪਰਾਂਦਾ ਤਲੀ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਪਰਾਂਦਾ ਤਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰ, मैं सरजीत कौर, पंजाबी विरसा टीम की तरफ से हमारा ये पहला प्रोग्राम माइकल जोन ऑडिटोरियम में आज 7 सितंबर को हम लोग तियां के त्यौहार के नाम से मना रहे हैं। इसमें हमारी बेटियां, हमारी बहुएं ये हिस्सा ले रही हैं। आम परिवारों से इसमें गिद्दा भांगड़ा के अलावा छोटे छोटे नाटक भी हैं, जिसके द्वारा बताया जा रहा है कि हमें कैसे संस्कारों से जुड़ना है। और आज परिवार को ज़रूरत है कि परिवार के बुज़ुर्ग और बच्चे, नानी दादी और नाती पोते एक साथ बैठें और बड़े बुज़ुर्ग जो हैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। आज परिवारों में बड़ों बुज़ुर्गों की कोई इज्जत नहीं करते हैं, जैसे उनको उनका मान सम्मान नहीं होता है। तो इस तरह से हमने इसमें इस प्रोग्राम के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है, इससे हमारे परिवार टूटने से बचेंगे और आगे चल के जो आज की पीढ़ी के माँ बाप हैं उनका भी सत्कार बढ़ेगा। इसके अलावा हमारी बहन हरप्रीत कौर, जिसने खुद की लिखी हुई एक कविता पेश की, जिसमें बेटियों को आगे चल के कैसे उनको मजबूत बनना है, उन्हें कमज़ोर नहीं बनना है, उन्हें चाँद जैसा नहीं सूरज जैसा बनना है, ताकि कोई उन पर आँख ना उठा सके। और उसे शमशीर उठाने के लिए कहा है, तलवार उठाने के लिए कहा है, मजबूत बनो, उठाओ तलवार, चंडी तुम्हें समाएगी, गुरु गोविंद तुम्हें समाएंगे। और कैसे तुमने जो हमारे दुष्कर्म करने वाले हैं उनका संहार करना है और उनका नाश करना है। और इस तरह के और भी कुछ मैसेज हमारे प्रोग्राम के माध्यम से दिए जा रहे हैं। पंजाब की जो सभ्यता है, कला है, उसे हमने आज जमशेदपुर में दिखाने की कोशिश की। हमारा पंजाबी समाज की सारी संस्कृति जो है, उनको जो संस्कार दिए गए हैं वो सभी जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे। कहीं भी आप चल जाइए, इवन पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में आपको इसी तरह का संस्कार देखने को मिलेगा। कैसा लगा? बच्ची लोग कहाँ से ड्रेस, कहाँ से सीखी इतना अच्छा ड्रेस? बच्ची लोग तो शुरू से ही अपना प्रैक्टिस कर रही हैं। मनप्रीत जी अपना लगे हुए थे, इनको एक कैंप में करवा तैयारी करवाए हैं। और आपने देखा कि छोटी छोटी बच्चियाँ भी इतना अच्छा से परफॉर्मेंस की है, तो हम आशा ने पूरा विश्वास करते हैं कि आगे चल कर के और भी इनका जो कार्यक्रम है बड़े पैमाने पर होगा, ऐसा हम लोग आशा करते हैं। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और
फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ और शॉर्ट फिल्में वगैरह करता हूँ और रंगमंच के साथ जुड़ा हूँ। हम लोग ये तैयारी करके आए थे कि जनता के बीच में छोटे बच्चों को आज के समय में और पिछले समय जो 30 40 50 साल पहले का क्या फ़र्क रहा है, अभी के ज़माने का आपको दिखाया गया पहले कि बहुत सारे लोग अपने मदर्स को पेरेंट्स को इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, पर अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, गलत तरह से बात करते हैं, और पिछले जो होता था कि 40 50 साल पहले माता पिता के साथ में कैसा व्यवहार करते थे, तो उनसे बच्चे लोग बहुत प्रेरित होते थे और अपने बच्चों को भी अपनी दादी के साथ जोड़ के रखते थे अपने, ठीक है। तो दादी कहानी सुनाती थी, अपने नए नए शिक्षा देती थी और वो बच्चों को समझाती थी कि कैसे हम लोग को ईमानदारी से रहना है और कैसे हम लोग को आगे अपना जीवन व्यतीत करना है, यही शिक्षा दी। सब पंजाबी जो पंजाब में रहते हैं, हमारे भाई पंजाब दिल्ली जो भी पंजाबी है, सबका एक कल्चर है, उसको प्रमोट करने का, हमारे बच्चों को बताने का, बहनों ने बहुत बढ़िया उपराला किया, हम लोग इनको बधाई भी देते हैं और बहुत सक्सेस प्रोग्राम है, इससे बच्चों को पता चलता है हम लोग का पुराना रीति रिवाजों के बारे में, बहुत अच्छी बात है। तो उपराला किया इन्होंने, हम लोग बधाई देते हैं, सब बच्चों ने बहुत अच्छा कर रहे हैं, पूरा समझाने का भाई, नाटक देखे हो, माँ बाप के बारे में बता रहा था, अभी गिद्दा भंगड़ा ये हम लोग की जो अभी जागो दिखा रहे थे, हम लोग हर एक शादी में प्रोग्राम होता है, जैसे बच्चों को देखो पता चलता हम लोग शादियाँ कैसे होती है, समझ में आता है, बहुत अच्छा उपराला किया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है ये वाला, और इसके लिए हम लोग तहे दिल से जो हमारी बहनों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उनका धन्यवाद कर, इनको जिन्होंने सहयोग किया उनका भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और इस जो कल्चर प्रोग्राम है, ये संस्कार जो सभ्यता का प्रोग्राम है, इसको हम लोगों को आगे भी देखना है, अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसके लिए धन्यवाद। और आप हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, जो आप हम लोग अच्छी बातों को आप हमेशा सामने रखते हैं, हाँ हमारा जो कल्चर है, हमारी सभ्यता, एकदम 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 बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, आप लोग का भी धन्यवाद। क्या बोलना चाहेंगे पाजी, इतना अच्छा पूरे सिटकॉम की तरफ से? हाँ, ये जो आज प्रोग्राम हुआ है पंजाबी विरसा, इससे पंजाब में जो सावन महीना में हम लोग लेडीज लोग का संगीत होता है, उसी दार में जो प्रोग्राम किया गया है, बहुत ही शलाघा जो कदम है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये लोग ऐसे ही इससे अच्छा प्रोग्राम करेंगे, और बच्चों को पंजाबी विरसे के बारे में जानकारी देने के लिए किया गया कि कहाँ के आगे पंजाबी विरसा से बच्चा लोग जुड़ें और अपने समाज के भलाई के लिए आगे काम करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु। मेरा नाम जसबीर सिंह हुआ, मैं इस बैनर का सदस्य हूँ। आज ये प्रोग्राम हमारा जो बैनर है पंजाबी सिख विरसा, ये जमशेदपुर में ये पहली बार हो रहा है ये प्रोग्राम, और हमारा ये उद्देश्य है कि ये पंजाब का विरसा जो इसमें दिखाया जाए और पंजाब की झलक जो है इस माध्यम से, जो हमारे सावन में जैसा माहौल पंजाब में होता है, उसी एक माहौल को हम लोग यहाँ पर जागृत करने की कोशिश हमारी। बच्चे हमारे पूरे जमशेदपुर से है, जितने भी जमशेदपुर के परफॉर्मेंस है उसमें से एक भांगड़ा फीवर ग्रुप है, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस और बहुत फेमस ग्रुप है, उनका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और वो ना दो परफॉर्मेंस उनकी भी बहुत अच्छी रहेगी। गेस्ट में हमारे अमरप्रीत सिंह काले जी आएंगे, और ये शिवशंकर भैया है, और हमारे साक्षी गुरुद्वारा के प्रधान हैं निशान सिंह जी, और भी अन्य हैं हमारे।